तो दोस्तों आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर को देख रो पड़े जापानी फैंस। वीडियो देख लोग बोले ये है असली हीरो। एसएस राजामौली इन दिनों अपने आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण के साथ जापान में हैं, जहां पर उनकी फिल्म रिलीज हुई है। ट्रिपल आर के कई वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिल्म की टीम के सभी खास लोगों को जापान में गर्मजोश से स्वागत किया जा रहा है। आरआरआर फिल्म एक वर्ल्ड सेंसेशन रही है और इसे द्वीप राष्ट्र में रिलीज करने के लिए बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जहां पर तेलुगु स्टार की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में ऑनलाइन सामने आए एक नए वीडियो में अभिनेता के प्रशंसकों को उनके साथ आमने सामने अपने आंसू पोंछते हुए और टूटते हुए देखा जा सकता है। वीडियो जापान में प्रशंसकों के साथ एनटीआर की बातचीत को दर्शाता है, जो इन दिनों अपनी वाइफ के साथ है। शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक पपराजी अकाउंट द्वारा शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, एनटीआर जूनियर का फैंडम सीमाओं को तोड़ता है। #RRR प्रमोशन के लिए जापान में अपने पसंदीदा स्टार को देखकर उनके प्रशंसक भावुक हो गए हैं। वीडियो में प्रशंसकों को एनटीआर के साथ सेल्फी लेते और ऑटोग्राफ देते देखा जा सकता है। एक हिस्से में एनटीआर के चेहरे वाली टी शर्ट पहने एक प्रशंसक अभिनेता को देखकर रोने लगता है और अपने आंसू पोंछने लगता है। एक और साथ में कई फैंस उनके साथ तस्वीर लेने के लिए एक साथ उमड़ पड़े। इस दौरान जापान के सभी प्रशंसकों ने कहा कि यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले अभिनेता के स्टारडम का सबूत था और तमाम यूजर्स ने उन्हें असली हीरो बताया। जापान में उनके आगमन के बाद से एनटीआर का फैन क्रेज के साथ यह पहला प्रयास नहीं है। एक क्लिप में अभिनेता को होटल के कर्मचारियों से हिंदी में एक पत्र के साथ एक सरप्राइज प्राप्त करते हुए दिखाया गया। क्लिप में अभिनेता को एक कमरे के बाहर होटल के कर्मचारियों से बात करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उसने अपना परिचय दिया था। वहां के सभी फैंस को एनटीआर के उनके मधुर हाव भाव के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एनटीआर बुधवार को अपनी पत्नी के साथ रामचरण और राजामौली के साथ ट्रिपल आर प्रमोशन के लिए जापान पहुंचे, जहां पर उनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है। आरआरआर 1920 के पूर्व स्वतंत्र युग में स्थापना के काल्पनिक कहानी है, जो दो वास्तविक नायकों और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम के जीवन पर आधारित है। फिल्म में कोमा राम भीम के किरदार में एनटीआर हैं और लोगों को उनका किरदार काफी राज आया है। तो दोस्तों भारत में ही नहीं जापान में भी है जूनियर एनटीआर का बहुत ज्यादा क्रेज। तो देख सकते हैं आप कैसे जापान के लोग जूनियर एनटीआर को देखकर रो पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको भी जूनियर एनटीआर पसंद है कि नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए।